हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके साथ आज ये वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने फ्रिज में अपनी जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उनको कैसे स्टोर करती हूँ, अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये है मेरा डबल डोर का फ्रिज जो कि वर्लपूल कंपनी से है और इसकी कैपेसिटी है 340 लीटर्स। तो अभी हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो भी वेजीज लेके आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो टाइम पे लेके आऊँ मैं वही टाइम पे उनको क्लीन कर दूं। स्पेशली ये कॉलीफ्लावर जो होता है इसको हम एज इट इज़ ही रख देंगे तो ये फ्रिज में स्पेस ज़्यादा ले लेता है। तो इसके लिए मैं इनको क्लीन करके देन इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखती हूँ और मैं वॉश करके नहीं रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गीलेपन से मेरी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, तो मैं इनको जब भी बनाना होता है वही टाइम पे वॉश कर लेती हूँ, मैं क्लीन करके रख देती हूँ। अभी आ जाते हैं ग्रीन चिलीज पे। तो ग्रीन चिलीज का जो टॉप होता है उनको मैं तोड़ के रखती हूँ, जो उनका डंठल होता है उनको तोड़ के रखती हूँ। और मैंने ग्रीन चिलीज को वॉश करके ड्राई कर लिया है। और जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना उनको भी मैं क्लीन करके और स्पेशली कट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ग्रीन अनियंस थे, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मुझे इसी तरीके से बनाना होता है, मैं इनकी सब्ज़ी भी बनाती हूँ और इनको फ्राइड राइस वगैरह में, सैंडविच वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं इनको क्लीन करके रख रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर लिया है जिसमें नीचे टिशू लगाया है और ऊपर भी टिशू लगा दिया है, सो दैट ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे, इनका मॉइस्चर जो टिशू है वो सोक करते रहेगा। और अभी मैं फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। मैंने पूरे फ्रिज को एम्प्टी कर लिया है और अच्छे से क्लीन भी कर लिया है, लेकिन जो नीचे आपने स्टेन देखा ना वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, वो नहीं छूट रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा सा गीला करके छोड़ा है। तो अभी मैं उसको क्लीन कर लूँगी। मैं नॉर्मल प्लेन वाटर से पूरे फ्रिज को वाइप कर रही हूँ और जो भी इनके पार्ट्स थे उनको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो अभी मैं इनको वापस से प्लेस कर रही हूँ। अभी मैं इनके ऊपर एंटी स्लिप लाइनर यूज़ करूँगी। आप भी यूज़ करिए ताकि जो शेल्फ़ रहते हैं ना फ्रिज के उन पे स्क्रैचेस नहीं आता है। और एंटी स्लिप लाइनर यूज़ करने से हमको फ्रिक्वेंटली फ्रिज को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कोशिश कीजिए कि आप लाइट कलर के या फिर ट्रांसपेरेंट लाइनर यूज़ कीजिए ताकि जो भी एक शेल्फ से दूसरे शेल्फ में आपने चीज़ें रखी हैं वो आपको विजिबल रहे। और इससे क्या रहता है ना कि चीज़ें जो आपने सेकंड शेल्फ में रखी हैं वो आपको विजिबल रहेंगी तो वो आप यूज़ करोगे। कभी कभी ऐसी चीज़ें अंदर रखी रह जाती हैं, हम देखते नहीं हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपने शेल्फ पे लाइट कलर के लाइनर यूज़ कीजिए। देखिए मैंने एकदम वाइट कलर के एंटी स्लिप लाइनर यूज़ किए हैं जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट शेल्फ से दूसरा शेल्फ एकदम प्रॉपरली विजिबल है। और अभी यहाँ पे जो हमारा एकदम नीचे साइड में वेजिटेबल का बॉक्स होता है वहाँ पे मैंने एक कॉटन टॉवल बिछा दिया है, सो दैट जो भी गंदगी रहेगी वो उसके ऊपर गिरेगी, क्लीनिंग इजी हो जाएगी और वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करेगा। और अभी यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स रखने के लिए इस तरीके के जो कंटेनर्स हैं लंबे लंबे ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और इनमें मैंने एक में रखा है भिंडी और एक में रखा है मैंने शिमला मिर्च और गाजर को। और यहाँ पे मैं कुछ नेट के बैग यूज़ कर रही हूँ, जो ज़िप वाले बैग आते हैं नेट के, तो मैं एक्स्ट्रा वेजिटेबल रखने के लिए उनको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं जो मेरा मंथली प्रिपरेशन होता है, मेन जो मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है वो मुझे बहुत फ्रिक्वेंट लगता है, तो इसलिए मैं उनको मंथली एक महीने का, दो महीने का ऐसे पीस के रख लेती हूँ। और मेरा एक बार पीसा हुआ 1 से 1.5 महीना आराम से चलता है। तो अभी मैं वही मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें मैंने नीचे टिश्यू लगा दिया है और इनमें मैं पालक को रख रही हूँ। तो पालक के डंठल तोड़ के मैंने इनको क्लीन कर लिया है। मैं पालक भी कट करके रखती हूँ बट मुझे इस बार पालक पनीर बनाना था इसलिए मैंने उनको कट नहीं किया, मैं उनको एज इट इज़ टिश्यू पेपर में रैप करके रख रही हूँ। ग्रीन वेजीज अगर आप टिश्यू पेपर में या फिर जो पेपर बैग होते हैं उन पर करके रखेंगे तो इनकी लाइफ थोड़ी लॉन्ग हो जाती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैंने पालक को रख दिया है और ये है सोवा जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। मैं इनको टिश्यू में रैप कर रही हूँ और इसको भी मैं एक साइड में यहाँ पे रख दूँगी पालक के ही डब्बे में और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना लाइक पालक, सोवा, धनिया, मेथी और पुदीना, ये सभी को अगर आप टिश्यू में रैप करके रखोगे या फिर फूड पेपर में रैप करके रखोगे ना तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अभी यहाँ पे जो नीचे वेजिटेबल्स का बॉक्स होता है उसमें मैं सारे वेजिटेबल्स कंटेनर्स के साथ में रख रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है जिनको मैंने इस तरीके ज़िप वाले बैग में रखा है, नेट वाले बैग में, उनको यहाँ पे मैं साइड में रख दूँगी। तो ये देखिए ये कितना अच्छे से विजिबल है और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं, मैं आराम से कोई भी वेजिटेबल निकाल सकती हूँ। अभी वेजिटेबल के ऊपर का जो शेल्फ है वहाँ पे मैंने अपना अंडे का बॉक्स रखा है। ये अंडे का बॉक्स मैंने मीशो से मंगाया था और उसके बाजू में यहाँ पे मैं अपने खजूर के डब्बे रख रही हूँ। तो ये दोनों ही डब्बों में खजूर रखा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा है। अभी यहाँ पे मैं एक कंटेनर यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं और इसमें मैं अपनी वो चीज़ें रखूँगी जो मुझे डेली बेसिस पे यूज़ होती है लाइक टोमेटो, चिलीज़, लेमन, जिंजर। ये सब चीज़ें हमें कन्वीनियंट और रीचेबल रखनी चाहिए। तो अभी मैंने इनमें नीचे टिशू लगा दिया है और एक सेक्शन में मैंने ग्रीन चिलीज़ रख दी है, एक में टोमेटोज़ और एक में मैं रखूँगी लेमन और जिंजर। तो इस तरीके से मुझे जब भी इनकी ज़रूरत रहेगी तो मैं इजीली इनको ग्रैब कर सकती हूँ और अपने किचन पे यूज़ कर सकती हूँ। और अभी यहाँ पे जो हमारा मस्का बटर होता है उसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रख रही हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू यूज़। एंड मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप अपना बटर किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप उस पर एक्सपायरी ज़रूर लिखिए। मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ये 1 से 1.5 महीने में मेरा ये कंज्यूम हो जाएगा तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती इस पर एक्सपायरी लिखने की। और मैंने बटर को इस तरीके के डब्बे में रखा है, ये डब्बा भी मैंने आइकिया से लिया है। और अभी यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर लिया है जिसमें मैं अपने सारे ही चीज़ के स्लाइसेस रख रही हूँ और जो भी चीज़ क्यूब है वो भी रख रही हूँ। अच्छा, चीज़ के जो स्लाइस होते हैं उन पे एक्सपायरी लिखी होती है और चीज़ क्यूब भी मेरा जल्दी कंज्यूम हो जाता है। ओके, तो अभी मैं अपने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं ना उनको मैं जस्ट अंडर द फ्रीज़र जो सेक्शन होता है ना वहाँ पे रखती हूँ बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कूलेस्ट पार्ट ऑफ आर फ्रिज। तो मैंने बटर, चीज़, पनीर, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और पहले मैंने यहाँ पे पीनट बटर रखा था, फिर मैंने उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे बच्चों का याकुल्ट रखा और ये एक पनीर का छोटा सा मेरे पास पैकेट था जिसको मैंने चीज़ के डब्बे में डाल दिया, उसमें जगह थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे ही डेयरी प्रोडक्ट रख दिए हैं। दिस इज़ द कूलेस्ट पार्ट ऑफ आर फ्रिज। तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट रखने से वो जल्दी ख़राब नहीं होते। नाउ कमिंग टू द सेकेंड शेल्फ, में यहाँ पे पीछे मैंने रखा है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये है मेरा कोरिएंडर जिनको मैं ऐसे क्लीन करके कट करके टिश्यू में रैप करके रखती हूँ सो दैट मुझे जब भी यूज़ करना होता है मैं उनको एक छोटे से ड्रेनर में वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ। तो सेकेंड शेल्फ जो है मेरा वो बेसिकली फॉर मील प्रिपरेशन वाले प्रोडक्ट के लिए है। तो यहाँ पे मैंने कोरिएंडर रख दिया है, बॉयल दाल रख दी है, इमली की चटनी रख दी है और ये एक डब्बा है जिसमें मैंने मलाई रखी है। मैं मलाई निकाल के उनकी घी बनाती हूँ तो उसको भी मैंने रख दिया और यहाँ पे आगे मैंने डोसा बैटर रख दिया है। नाउ कमिंग टू द थर्ड शेल्फ, तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से ट्रे में सारे ही जो भी सॉसेस वगैरह होते हैं लाइक पीनट बटर हो गया, सेजवान चटनी हो गया, मेयोनीज हो गया, ये सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाजू में यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन में मिठाई रखी है और ये वो कंटेनर है जिसमें मैंने अपने डेली एक्सेस वाले ग्रीन चिली, टमाटो, लेमन वो सब रखा है। और अभी यहाँ पे मैं होममेड चाशनी रख रही हूँ। और लास्ट शेल्फ में मैंने बच्चों की नज़र से दूर चॉकलेट्स रखा है और आगे खजूर का डब्बा रख दिया है। और अभी आ जाते हैं डोर पे, तो यहाँ पे मैं सारे सॉसेस रख रही हूँ लाइक सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, चॉकलेट सॉस, सेजवान चटनी, ये सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ।
उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डोर पे वाटर बॉटल्स रख रही हूँ, हमें ठंडा पानी यूज़ होता है तो वाटर बॉटल्स रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक थर्मास में अपना दूध बॉईल किया हुआ रखा है, मैं दूध को बॉईल करके ऐसे थर्मास में करके रख देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं डेली यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें बना रही हूँ, जैसे गार्लिक को पील करके रखूँगी एंड अदरक को घिस करके रखा है मैंने चाय के लिए, और फिर इसी तरीके के एक छोटे से कंटेनर में मैं कड़ी पत्ता रखूँगी। ये हमारी डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। सो आई एम कीपिंग ऑल दिस रेडी फॉर ईजी एक्सेस। तो अभी यहाँ पे मैंने एक छोटे से ग्लास जार में क्रश्ड कोकोनट रखा है, कुछ सनफ्लावर सीड्स रखे हैं, और फिर ये छोटे छोटे से ग्लास जार में मैं रख रही हूँ लहसुन, कड़ी पत्ता और क्रश्ड अदरक। और ये जो बचे हुए लहसुन थे छिले हुए, उनको मैं ये कंटेनर में रख रही हूँ, और इसमें रख के मैं उनको वेजिटेबल बॉक्स में डाल दूँगी, सो दैट जब भी मेरा ऊपर का ख़त्म होगा मैं इसमें से रिफ़िल कर लूँगी। और ये एक छोटा सा बास्केट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मुझे जल्दी यूज़ करनी है उनको मैं इसमें रख रही हूँ। जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है और बची हुई कटी हुई सब्जियां होती हैं उनको आप विजिबल रखिए, सो दैट यू कैन यूज़ इट बिफोर इट्स गो बैड। नाउ दिस इज़ माई फ्रीज़र, तो अभी इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कैसे चीज़ों को रखा है डोर पे। तो अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए छोटा सा मैं स्पाइस रैक यूज़ कर रही हूँ। मैं सारे मसाले जो आपने देखे डब्बे में रखे हुए उनको मैं इसमें रखने वाली हूँ। इसमें से मुझे कुछ ऐसे दो मसाले मिले जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो सारे मसालों को मैं कंटेनर में, ये बहुत छोटे से स्पाइस कंटेनर हैं, एक पैकेट मसाला इसमें आ गया, बस इतने ही हैं। और इसको मैं इसमें खाली करके उसके बाद इनको लेबल करूँगी, और फिर जो भी मसाला रहेगा मसाले का नाम और उसका एक्सपायरी डेट उस पर लिख दूँगी। ये एक डब्बा जो खाली देख रहे हो, इसमें मैंने बाद में चाट मसाला रख दिया था, और उसके बाद मैं कुछ इस तरीके के कंटेनर यूज़ कर रही हूँ जो भी फ्रोज़न आइटम होते हैं वो रखने के लिए। तो एक कंटेनर में मैंने रखा है ग्रीन पीस, अभी यहाँ पे मैं कुछ पोटैटो बाइट्स रख रही हूँ, और जब घर में बच्चे होना तो कुछ झटपट वाली चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं, तो सेकंड कंटेनर में मैंने रखा है पोटैटो बाइट्स। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ रॉ चिकन, उसके बाद ये जो ज़िपलॉक बैग होते हैं तो इनको मैं अच्छे से अभी ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। ये मेरे पास दो साइज़ के हैं, एक मीडियम साइज़ है देन एक एकदम स्मॉल साइज़ है, तो इनको अच्छे से मैं एक साथ में राउंड राउंड फोल्ड करके रबर लगा के रख रही हूँ, सो दैट ये ज़्यादा जगह नहीं लेंगे। और ये मुझे मोस्टली यू नो रमज़ान के टाइम पर यूज़ होता है, तो इसको मैं ऐसे रबर लगा के रख दूँगी फ्रीज़र में। अभी मैं फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ, तो ये देखिए मैंने नीचे रखा है मावा, देन ऊपर ग्रीन पेस्ट, और ये स्टेकेबल कंटेनर है तो आराम से एक के ऊपर एक आ जा रहा है। तो फिर नीचे रखा है पोटैटो बाइट एंड चिकन, और ऊपर यहाँ पे जो आइस ट्रे होता है वहाँ पे मैं कुछ डेरी मिल्क छुपा रही हूँ, और उसके बाद ऊपर जो एकदम कोल्डेस्ट सेक्शन होता है वहाँ पर मैंने आइसक्रीम रखा है, और ये कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइस है तो उसको भी मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। जब मेरा नीचे का ख़त्म होगा तो मैं रिफ़िल कर लूँगी। उसके बाद फ्रीज़र के डोर पे मैंने रख दिया ये छोटा सा स्पाइस रैक, और उसी के बाजू में मैं ये रख रही हूँ काजू, जो मैं मोस्टली कुकिंग में यूज़ करती हूँ। और जो भी मैंने जो ज़िपलॉक बैग को रबर लगाया था वो मैंने ऊपर वाले सेक्शन में रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन पीस है, देन चिकन है, पोटैटो बाइट है, और ये कुछ बर्गर टिक्की है एंड मावा रखा हुआ है। ऊपर ये डेरी मिल्क है, एंड ये ऊपर आइस ट्रे है, देन आइसक्रीम है, देन चीज़ स्लाइस है,
एंड यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कीमा रखा था, तो मैंने उसको ज़िपलॉक बैग में रखा है और ये बास्केट में करके उसके ऊपर रख रही हूँ। और ये एक आइस पैक है जो मैं आइकिया से लेके आई थी, तो इसको भी मैं ऊपर रख रही हूँ। और यही था मेरा फ्रीज़र ऑर्गेनाइजेशन। और अभी मैं फ्रिज में कैसे क्या रखा है मैंने वो बता देती हूँ आपको। तो फ्रीज़र के जो नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे सारे मैं डेयरी प्रोडक्ट रखती हूँ। तो ये डब्बे में मैंने चीज़ स्लाइस, चीज़ ब्लॉक और पनीर रखा है, और इसके बाजू में मैंने बच्चों का याकुल्ट रखा है, और ऊपर पिज़्ज़ा बेस रखा है, यहाँ पर श्रेडेड चीज़ रखा है, और ये उसके जस्ट बाजू वाले डब्बे में मैंने बटर रखा है पीसेस में कट करके, एंड ऊपर दही रखी है, और पीछे मैंने जो एक्स्ट्रा बटर था वो रखा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड शेल्फ, तो पीछे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा है, और उसके बाजू में मैंने बॉयल्ड दाल रखी है, देन इमली की चटनी, देन मलाई, और ये जो मिल्की मिस्ट दही वाला डब्बा है इसमें मैंने डोसा बैटर रखा है, और ये एक छोटे से डब्बे में मैंने कोरिएंडर को कट करके रखा है, सो दैट जब भी मुझे खाना बनाना होता है मैं इसमें से लेके वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ। नाउ मूविंग टू द थर्ड शेल्फ, मैंने ये ट्रे में सारे सॉसेस रखे हैं, जैसे बर्गर सॉस रखा है, ऊपर पीनट बटर रखा है, पीछे मेयोनीज रखा है, और ग्रीन चिली सॉस रखा है, और सिजवान चटनी रखी है। और उसके बाजू में ये जो आप बड़ा सा लॉन्ग सा कंटेनर देख रहे हो उसमें मैंने होममेड चाशनी रखी है जो मैं गुलाब जामुन बनाने में यूज़ करूँगी। और उसके बाजू में ये जो आप डब्बा देख रहे हो इसमें मैंने मिठाई रखी है, और ऊपर कुछ लेफ्ट ओवर फूड है दोनों छोटे छोटे कंटेनर्स में। और उसके बाद उसके बाजू वाला जो बड़ा वाला कंटेनर आप देख रहे हो इसमें मेरे सारे डेली एक्सेस वाले सामान हैं, जो जैसे टमाटो हो गया, ग्रीन चिली, लेमन और जिंजर। और ये जो ऊपर छोटी सी बास्केट मैंने हैंग की है इसमें जो भी कटी हुई सब्जियां होती हैं वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, सो दैट पहले वो यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो लास्ट शेल्फ है वहाँ पे मैंने मेरा अंडे का डब्बा रखा है, इसमें 32 एग्स आ जाते हैं, और पीछे मैंने एक चॉकलेट का डब्बा रखा है, देन उसके बाजू में खजूर के दो डब्बे हैं, और ये आगे जो खजूर का डब्बा है ये हम लोग डेली यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा वेजिटेबल बास्केट है, तो ये देखिए मैंने वेजिटेबल बास्केट को इस तरीके से मैंने सारे कंटेनर में वेजिटेबल्स को करके रखा है। और लास्ट में एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके फ्रिज के अंदर किसी कॉर्नर में रख दूंगी, सो दैट इट विल नॉट स्मेल बैड। एंड नाउ दिस इज़ माई फ्रिज डोर, जो कि ऊपर का सेक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो इनकेस अगर कोई एक्स्ट्रा फ्रूट वगैरह आते हैं तो यहाँ पे रख दूँगी, अदरवाइज मैं फ्रूट्स वगैरह अब बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। एंड वन लास्ट स्टेप, ट्राई टू गेट एटलीस्ट हाफ एन आवर इन द वीकेंड एंड डी क्लटर योर फ्रिज, यूज़ द लेफ्ट ओवर फूड एंड वेजिटेबल इन द वीकेंड सो दैट यू कैन गिव अ क्विक वाइप एंड यू कैन मेक अ क्लियर स्पेस इन योर फ्रिज टू वेलकम न्यू ग्रॉसरीज इन कमिंग वीक। और फ्रिज के ऊपर मैंने ये एक फ्रिज कवर डाल के रखा है, और फ्रिज के ऊपर का स्पेस मैं एम्प्टी रखती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वास रखा है मैंने, और ये है मेरा DIY ग्रॉसरी लिस्ट, जो भी जैसे भी ख़त्म होता है मैं यहाँ पे राइट डाउन करती जाती हूँ, और जब भी मुझे जाना होता है ग्रॉसरी के लिए मैं यहाँ से पेपर लेके चली जाती हूँ। सो दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो ऑफ माई फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू गेट सम आइडिया विथ दिस वीडियो, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड family, do give a thumbs up and please subscribe to my channel if you haven't yet. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.